नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा नदी पर फोरलेन पुल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि पुल निर्माण के लिए 7 कंपनियों ने निविदा डाला था, जिसमें लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की बिड सबसे कम है और उसे निर्माण कार्य दिए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल सितंबर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर फोरलेन पुल का शिलान्यास किया था। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले फोरलेन पुल के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के अलावा गैमन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ABL ब्रिज JV, SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, NCC लिमिटेड और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने भी बिड डाला था, लेकिन इन सब में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बाजी मार ली है और अब इस कंपनी को निर्माण कार्य दिए जाने की तैयारी चल रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाली फोरलेन पुल की खासियत के बारे में। विक्रमशिला सेतु के समानांतर फोरलेन पुल का निर्माण प्रधानमंत्री पैकेज 2015 के तहत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस परियोजना की कुल लागत 1116.72 करोड़ है। वहीं विक्रमशिला सेतु के समानांतर 50 मीटर डाउनस्ट्रीम में गंगा नदी के ऊपर पुल निर्माण होगा। परियोजना के लिए कुल 21.3 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार के संसाधनों से किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ही इसके निर्माण का शिलान्यास किया है। अगले 3 माह में निविदा की प्रक्रिया पूरी कर कार्य शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुल निर्माण से विक्रमशिला सेतु के ऊपर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। पुल निर्माण का कार्य 4 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति के उपरांत 10 वर्षों तक पुल का मेंटेनेंस भी किया जाएगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस परियोजना के निर्माण में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन भी दिया गया है। आपको बता दें कि विक्रमशिला पुल पर गाड़ियों का लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पुल 2 लेन के होने के कारण कहलगांव से लेकर पूर्णिया तक अक्सर जाम लगा रहता है। समानांतर पुल बनने से न केवल जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि उत्तर बिहार के सीमांचल का झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सड़क संपर्क भी बेहतर हो जाएगा। इसका असर शहर के व्यवसाय और विकास पर भी पड़ेगा। विक्रमशिला सेतु भारत में पानी पर 5वां सबसे लंबा पुल है। 4.7 किलोमीटर लंबा 2 लेन का पुल गंगा के विपरीत किनारे पर चल रहे NH-80 और NH-31 के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करता है। यह गंगा के दक्षिण तट पर भागलपुर की तरफ बरारी घाट से उत्तर बैंक पर नवगछिया तक चलता है और भागलपुर को पूर्णिया और कैथीर से जोड़ता है। वहीं इसके समानांतर 4 लेन पुल के नीचे से पानी का जहाज निकल जाए, उसके लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आवश्यकता अनुरूप पर्याप्त चौड़ी जगह भी दी जाएगी। यह 4 लेन पुल वर्तमान विक्रमशिला पुल के पूरब में बनेगा। इसके लिए नवगछिया से भागलपुर सड़क का भारत सरकार द्वारा नया नेशनल हाईवे संख्या 131B के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके साथ ही सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने भागलपुर से हंसडीहा पथ को भी राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया है। इस प्रकार नवगछिया से भागलपुर होते हुए झारखंड की सीमा तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा और 4 लेन पुल का निर्माण होगा। इस पुल के बन जाने से उत्तर बिहार के सीमांचल का झारखंड के साथ सड़क संपर्क तो सुगम होगा ही, साथ में पश्चिम बंगाल के साथ भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।